नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ बड़ी संख्याओं को लेंगे और आसान तरीका अपनाएंगे मल्टीप्लाई करने का। ये क्लास 3, 4, 5 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है। सबसे पहले हमने लिया है 86 × 300, तो इसे हम पहले टुकड़ों में विभाजित करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये आसान बन जाए। इस प्रकार से हम टुकड़ों में विभाजित करेंगे इसे, 86 × 3 × 100। 300 को हमने टुकड़ों में विभाजित किया है 3 × 100, इस प्रकार से 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 86 × 3 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 100। अब हम 3 से 86 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18 का 8, बाकी 1, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 100। अब किसी भी संख्या को यदि 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें 2 शून्य अंकित हो जाता है, तो यहाँ 258 है तो यहाँ पर 2 शून्य अंकित हो जाएगा, 25,800, ये इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, यहाँ हम कुछ अलग संख्या 312 ले लेते हैं, गुना पिछली बार हमने 300 लिया था, इस बार 200 ले लेते हैं। उसी प्रकार हम इसे टुकड़ों में विभाजित करेंगे 200 को, 312 × 2 × 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 312 और 2 को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 100। अब 2 को 312 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 100। 624 को 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहाँ 2 शून्य अंकित हो जाना। 2 शून्य अंकित करने के बाद 62,400 गुणनफल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को हम टुकड़ों में विभाजित कर आसान बना लेते हैं मल्टीप्लाई करने का, जिससे कम समय में और आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं और भी आपके लिए जो उपयोगी होगा वैसे वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।